आपको बिंटल में खाए जाने वाला फाइबर प्रोटीन विटामिन से भरपूर गुजरात की फेमस रेसिपी ढेवरा बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये खाने में बहुत अधिक टेस्टी लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ढेवरा बनाने के लिए ये हमने 1.5 कप बाजरे का आटा लिया है। इसे बाजरे के आटे से ही बनाया जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है। अब हम बाजरे के आटे को इसके अंदर डाल देते हैं। 1/2 कप गेहूं का आटा, इससे बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। 2 कप हरे पत्ते वाली मेथी, जिसे हमने महीन महीन काट लिया है। 1/4 कप हरा धनिया। 1 टेबल स्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। 2 टेबल स्पून सफेद तिल। 1 टीस्पून अजवाइन, इसे हम हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे खुशबू अच्छी आएगी। 1 टीस्पून भुना जीरा, जिसे हमने पीस लिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून हींग, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। नमक स्वाद अनुसार। 2 टेबल स्पून गुड़, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया, वो भी डाल देते। ढेवरा खट्टा मीठा खाने में टेस्टी लगता है। 1 टेबल स्पून देसी घी, आप देसी घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यह हमने सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमने दही लिया है। इस आटे को हम दही से गूंथेंगे। हम इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देते। दही आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे कि इसमें ज्यादा ना हो जाए। अब हम दही थोड़ा सा और डाल देते। ये हमने फ्रेश दही लिया है। हम इसका डो बनाएंगे। इसका डो ना ही ज्यादा सख्त बनाना है और ना ही ज्यादा लूज। हमने इस डो को दही से बनाया है। आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डो को दही से ही बनाया जाता है। अब ये डो बनके तैयार हो गया है। बस हमें इसी टाइप का डो चाहिए। ये ना ही ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा लूज। अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते और ढक देते। 10 मिनट करीब हो गए। अब ये डो भी सेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के इस डो को और चिकना कर लेते हैं। अब ये डो भी चिकना हो गया है। अब हम इसके अंदर से एक मीडियम साइज की लोई तोड़ लेते। देखिए, ये हमने लोई तोड़ लिए। अब इस लोई को हम चिकना कर लेते। देखिए, ये लोई बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे बेलेंगे। ये हमने बाजरे का सूखा आटा लिया है। अब लोई को इसके अंदर हम लपेट लेते। हमें इस तरीके से लोई को लपेटना है। अब हम इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए हमने ये चकला लिया है। अब लोई को इसके ऊपर रख देते। हमें इसे बिल्कुल उसी तरीके से बेलना है जैसे हम चपातियों को बेलते हैं, और इसे घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। बस बेलते समय हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। हम इसे थोड़ा सा चपाती से मोटा रखेंगे। ये हमने बेल लिया है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, हमें इतना मोटा रखना है। आप चाहे तो इनको इस तरीके से भी सेक सकते हैं। और अगर आपको सभी एक ही साइज के बनाने, तो आपके पास इस टाइप का कोई डिब्बा है तो आप इसे काट भी सकते हैं। अब हम इसे काट लेते हैं, जिससे कि ये सभी एक ही साइज में बनके तैयार होंगे। ये हमने काट लिया। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देते। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, हम इस तरीके से बेलते जाएंगे और सेकते जाएंगे। चलिए, अब हम इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमने गैस पे तवा रख दिया है। तवा हल्का गर्म हो गया है। अब हम तवे के ऊपर इसको डाल देते। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे सिकने देते। अब हम इसे पलट देते। आप देख पा रहे हैं, ये हल्का हल्का सिक गया है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी सिकने देते। अब हम इसे पीछे से भी चेक कर लेते। देखिए, पीछे से भी सिक गया है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देते। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये घी में सिके हुए खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इसे पलट देते।
हम इसे हल्के हाथों से दबाते हुए सेक लेते। फ्लेम को हमने स्लो मीडियम कर दिया है। हम इसे स्लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक्के तैयार हो। अब हम इसके दूसरी तरफ से भी घी लगा देते। घी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी लगा सकते हैं। अब इसे पलट देते। इसे आप बाजरे का पराठा भी बोल सकते हैं। और इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे सेकेंगे। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इनको बनाइए, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झट से बनके तैयार हो जाते हैं। हमें इसे सर्दियों में जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी सेक सकते हैं। अब ये दोनों तरफ से सिक्के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सिक्का है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सभी सिक्के तैयार कर लेंगे। अब ये सभी ढेबरे बनके तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया बने हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें अचार, चटनी या दही आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें बना करके 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं और जब भी खाने की इच्छा है आप इनको खा सकते हैं। आप अगर सफर पे जा रहे हैं तब भी आप इनको बना करके ले जा सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होते और आराम से 3-4 दिन चल जाते हैं। ये बाजरे से बनाए जाते हैं इसीलिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। क्योंकि आपको तो सभी को पता ही है कि सर्दियों में बाजरा कितना अधिक फायदा करता है। आप भी इनको बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपियाँ देखनी है। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने बढ़िया सिक्के। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए अब तोड़ लेते। देखिए अंदर तक कितने बढ़िया सिक्के। आप चाहे तो इसके ऊपर मक्खन लगा करके भी आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।